सही कहा आपने, ये सुंदरता के रूप में राजस्थान का सबसे सुंदर शहर निश्चित रूप से है। और जहाँ तक झीलों की नगरी का सवाल है, तो इतनी झील, राजस्थान को तो एक सूखा प्रदेश के रूप में माना जाता है, तो मेवाड़ खासतौर पे और उसमें भी उदयपुर, इस तरह से पानी की झीलों की व्यवस्था और जितना ग्रीनरी है, तो उस हिसाब से निश्चित रूप से ही ये सुंदरता का प्रतीक तो है ही, और है भी बहुत सुंदर। देखो अभी ज्वाइन करने के बाद एक बार क्या चल रहा है और कितना किस तरह से काम चल रहा है, उसको देखने के बाद किस काम में हमारा अच्छा है उसको और अच्छा करना, और जिस काम में कम अच्छा है उसको अच्छा करना, ये प्राथमिकता बेसिकली तो ये है। अब इंडिविजुअल किसी चीज़ की बात करें, तो आपने शुरू में कहा कि देश विदेश में प्रसिद्ध है, तो मेरे ख्याल में आप लोग भी चाहोगे कि मैं इस चीज़ पे जो है कि सबसे ज़्यादा जो पुलिस के पॉइंट्स है वो पर्यटन में कितनी सहूलियत पुलिस की तरफ से दी जा सकती है। तो एक तो बिंदु ये निश्चित रूप से है ही है, क्योंकि ये पर्यटन स्पेसिफिक अपना क्षेत्र है, इसलिए। दूसरा तो पुलिस का पारंपरिक वर्क है, काम है, वो भी निश्चित रूप से अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें जो भी पुलिसिंग और जो भी क्षेत्र में अपराध को कम करने या अपराध को रोकने या कानून व्यवस्था बनाए रखने, और चूंकि ये पर्यटन क्षेत्र है जहाँ के काफ़ी अति विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन रहता है, उसमें हमारी व्यवस्थाएं माकूद रहें, यही हमारा मतलब। ये तो सारा काम हो गया। इसमें अगर प्राथमिकताओं की बात करें, जैसे आपने पूछा, तो किसी एक विषय पर अगर बात करें तो पर्यटन के बाद आता है वो महिला अत्याचार वाले मामले में है, उसमें हमें ज़्यादा सजग रहना है, ज़्यादा एक मानवीयता का परिचय देते हुए और ज़्यादा संजीदगी के साथ और शीघ्रातिशीघ्र न्याय उपलब्ध हो सके, ये व्यवस्था हम जो कर पाएँ वो प्राथमिकता का बिंदु रहेगा।